हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो कि है विलयन की रससमीकरणमिति। और इसमें विलयन की रससमीकरणमिति को समझने से पूर्व हमें कब पढ़ना पड़ेगा क्या, विलयन की सांद्रता के विभिन्न मात्रक। और जिसमें पहला मात्रक है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको एक नाम और दिया जाता है द्रव्यमान प्रतिशत या फिर भार प्रतिशत। और भार प्रतिशत इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कोई भी विलयन है, जैसे सैनिटाइजर के अंदर एल्कोहल होता है, तो उसको हम भार प्रतिशत के रूप में बता सकते हैं कि भाई इतना परसेंट एल्कोहल, इतना परसेंट जल है। ठीक है, कोई भी और अदरवाइज कोई भी कोलगेट है, तो कोलगेट में क्या होता है, एक मिक्सचर है कोलगेट भी, दो या दो से अधिक पदार्थों का, उसमें कैल्शियम भी होता है, फ्लोराइड भी होता है, तो नमक भी होता है, आजकल ऐड आता है नमक है कोलगेट के अंदर। तो ये कितना है, तो किसी भी मिक्सचर के अंदर यानी विलयन के अंदर हर एक सबस्टांस, हर एक पदार्थ की हम क्या बताते हैं, परसेंटेज बताते हैं, तो वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत या फिर भार प्रतिशत। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, आप लिखेंगे 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या, भागों की संख्या विलयन का भार प्रतिशत कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या विलयन का भार प्रतिशत कहलाती है। तो ये विलयन का भार प्रतिशत की परिभाषा हो गई। अब इसको सूत्र के 100 में हम बताते, जैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि हमने जो प्राप्त किया है बटा कितने में से प्राप्त किया है, इंटू 100 करते हैं ना। तो ऐसे विलयन का भार प्रतिशत अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज लेंगे कि उस विलयन में दो चीज होंगी। भाई विलयन में दो चीज कौन सी होती है, एक तो विलेय और एक विलायक। तो भार प्रतिशत निकालने के लिए विलेय का भार ले लेना ऊपर, तो विलेय का भार, और नीचे ले लेना कुल विलयन का भार, कुल विलयन का भार इंटू क्या कर दोगे, 100। इंटू 100 कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा फिर, ऐसे उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत मिल जाएगा। ये फॉर्मूला बता रहा हूं, कुछ कर देना। तो बेटा आप इस पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो 10 ग्राम ग्लूकोज को घोला और 1 बिलियन तैयार किया। कैसे किया गया क्वेश्चन, तो हमने 1 बिलियन बनाया है, इस बीकर में रखा है, जिसमें मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज को घोला है, कितने में, 100 ग्राम, ये ग्लूकोज है, और इसको 100 ग्राम जल में मैंने घोल दिया। और अब इस विलयन का भार प्रतिशत मुझे निकालना है, तो देख इधर कैसे कि विलेय कितना हो गया है, यहाँ 10 ग्राम घोला ना, तो 10 ग्राम तो हो गया विलेय, और कुल विलयन कितना हो जाएगा, जब ये इसमें आ जाएगा तो ये विलयन कितना हो जाएगा, 110। तो 10 प्लस 100 ये हो गया कुल विलयन। तो ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, और अब भार प्रतिशत कितना आया, तो भार प्रतिशत हमारे पास आ गया 10 बटा 110 इंटू 100। 10 से 10 काट दी तो क्या आ रहा फिर, 100 बटा 11 यानी 9.09% इसको काट लिया। किस किस का आया आंसर, 1 है तो
तुमने 100 बटा 10 बटा 100 ही कर दिया होगा, तो वो 100 ग्राम जल में घोला है तो विलयन तो 110 हो गया ना। नीचे किसका बाल लेना था, तेरे 110 कैसे आया? सर मैंने 110 तो ऊपर लिख दिए दोनों को जोड़ के, नीचे 100 लिख दिए बटा अभी तो दिया था मैंने विलय बटा विलयन। तो तू जो सोच रहा ना पुराना कुछ याद आ गया तेरे को, तो वो गलती की गलत करा था, नया सोचा कर यही कि क्या सिखाया है, अब क्वेश्चन कैसे होगा। अब सुनो भाई एक और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, लगभग एक पॉइंट तुम्हारी एनसीईआरटी में 1.18 क्वेश्चन देखना ऐसे है कि 2 ग्राम NaOH को 18 ग्राम जल में घोला है, कितने में? 18 ग्राम जल में। तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल के बताओ, इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो 10% आ गया। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या लगाया तुमने? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, अब विलय कितना है 2 ग्राम और विलयन कितना हो गया 2 प्लस 18 इंटू 100, तो कितना आया 2 बटा 20 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से 2 कट गया, तो यानी 10% विलयन तैयार हो गया। अब आपसे पूछे 10% NaOH विलयन का क्या मतलब है, तो उसका क्या मतलब निकालोगे तुम? ये 2 ग्राम 18 ग्राम जल में घुला हुआ है, तभी तो विलयन कितना है। तो 2 बटा 20, अब आया समझ में? चलो अब एक और अब दूसरा मात्रक है विलयन की सांद्रता का, दूसरा मात्रक है भार आयतन प्रतिशत। जब यानी भार आयतन प्रतिशत का मतलब होता है W/B परसेंटेज लिखा है, यानी जैसे मान लो अभी जो है ना वो तो द्रव्यमान प्रतिशत था हाँ, और इसमें ऐसे एक बोतल पे जैसे लिखा रहा है 10% या 10% W/B NaOH विलयन का आशय समझाइए, ऐसे लिखा है। अब क्या समझाओगे, क्या समझाओगे इसका क्या मतलब है? कि हमको पूरे विलयन को तो आयतन में लेना है, और उसमें 10% का मतलब है 10 ग्राम NaOH की टिकिया घुली हुई है। NaOH किसके फॉर्म में आता है? सॉलिड के फॉर्म में, और आयतन को किस फॉर्म में लेना है? लीटर या ml में लेना है। तो इसका मतलब हो गया, अर्थ समझ लो इसका, आशय अर्थ समझाइए कह रहा है ना, तो इसका अर्थ समझाओ मुझे, क्या कहोगे तुम अर्थ क्या आएगा इसका? 100 ml विलयन में, अगर मैं यूं कहूं तुम्हारे 10% नंबर आए तो क्या मतलब है इसका? 100 नंबर में से 10 आए तो यहाँ क्या लोगे 100 ml। ml क्यों लिया मैंने? क्योंकि नीचे क्या है आयतन है, तो 100 ml विलयन में 10 ग्राम। इसको ग्राम में क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि ऊपर वेट है, ऊपर वेट है तो इसको ग्राम में लेना पड़ेगा। तो 100 ml विलयन में 10 ग्राम NaOH घुला हुआ है, ये मतलब हो गया ना। 100 ml विलयन में
पीडीएफ होगा, नीचे बैठे पीडीएफ किसे करते हैं, इतना आएंगे NaOH घुला हुआ है, जब ये मतलब आए तो ये समझना है, समझ गए? आप सुनो, इसको निकालेंगे कैसे हम, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये तो लिख लिया तुमने, तो दूसरा चैप्टर तो तुमने लिख रखा है, तुम मत लिखो अभी, 2 बजे चलेगी क्लास भुला हुआ है। अब इसका सूत्र कैसे निकालेंगे हम, तो सूत्र लिखो, सूत्र हो गया W अपॉन बी परसेंट बराबर विले का भार, विले का भार तो किसमें लेना है तुमको, ग्राम में लेना है, और विलयन का, विलयन का आयतन, आयतन किसमें लेना है, लीटर ml में, ml में इनटू क्या कर दोगे, 100। ये सूत्र हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख करके दिखाओ इस पर, देखो सूत्र लिखो, तो आप देखो हमको क्या है, ये मिलीग्राम प्रति किलो है ना, इसका क्या मतलब लिया तुमने, पहले इसका अर्थ लिख लो, 23 मिलीग्राम प्रति किलो का अर्थ है कि, है कि 23 मिलीग्राम एने आयन, आयन 1 किलो जल में उपस्थित है, यही मतलब है ना भाई, मैं यूं कहूं 23 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम का, इसका मतलब है 23 मिलीग्राम एने आयन 1 kg जल में उपस्थित है, और हमको चाहिए क्या, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत चाहिए ना, तो ऊपर तो क्या लिखूंगा मैं, विले, विले कौन है, कौन घुला हुआ है झील में, एने, तो विले का भार हो गया 23 मिलीग्राम, मिली हटता है ना, तो क्या लगेगा, देसी सेंटीमीटर 10^-3, 10^-3, अब ये ग्राम हो गया, जब भी मिली हटे तो 10^-3 का गुना होता है या फिर 1000 का भाग लगता है, और प्रति किलो जल, लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए, आयतन, और हम जानते हैं 1 किलो जल का मतलब क्या होता है, 1 लीटर, यहाँ लिखो 1 किलो जल का मतलब है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का मतलब है 1000 ml, क्योंकि 1 ग्राम में जल में 1 ml होता है, तो 1 किलो जल का मतलब 1000 ग्राम, और 1000 का मतलब 1000 ml, तो आयतन कितना मिल गया हमको, 1000 ml मिल गया, और इनटू क्या करेंगे हम, 100, 0 से 0 कट गए, अब 10 का भाग और दे देंगे ऊपर तो कितना आ जाएगा, 0 23 × 10^-4% आ जाएगा कि नहीं भाई, 10 का भाग इसमें दोगे तो 1 और चल जाएगी घात ऊपर, 10^-4% सोडियम आयन की सांद्रता निकल के आ गई। विलयन का तीसरा मात्रक लिखो, आयतन प्रतिशत, तीसरा मात्रक है आयतन, आयतन प्रतिशत, इसको बोलते हैं वी अपॉन वी प्रतिशत, तो आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज का क्या मतलब होता है, आयतन आयतन प्रतिशत का मतलब होता है कि विलय को भी आयतन में और पूरे विलयन को भी आयतन में व्यक्त किया जाएगा, जैसे आपसे पूछे 10% V अपॉन कैपिटल V, एथे
नॉल एथे नॉल विलियन का क्या आशय है? आशय समझाओ, विलियन का क्या आशय है? क्या आशय समझाओगे तो आप इसका? देखो ये जो होती है ना सैनिटाइजर है ये, तो इनमें जो कंटेंट लिखाता है तुम देखते होंगे, कंटेंट ये लिख रहा, देखो देख इधर कौन देखेगा, तेरा वीडियो देखो ये लिखा लिखा कि नहीं लिखा? अब तू देख क्या लिखा है इसमें, इथाइल एल्कोहल 76% वी अपॉन वी लिखा है ना, तू भी देख ले क्या लिखा है, एथेनॉल 76% वी अपॉन वी, क्या लिखा है 76% वी अपॉन वी, सब देख रहे हो, मिल गया। अब यहाँ 10 की जगह 76 ही कर देता हूँ, इस सैनिटाइजर की बोतल में लिखा हुआ है 76% बी अपॉन बी और एब्सोल्यूट एल्कोहल लिखा है 72.34% बी अपॉन बी, तो इसका क्या मीनिंग है? प्रोपाइल एल्कोहल लिखा हुआ है, बी अपॉन बी तो लिखा है ना, इस जब कोई बोतल पे बी अपॉन बी लिखे तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 100 ml विलियन में 76 ml एथेनॉल घुला हुआ है, मतलब हम परसेंटेज जैसे हमारी 76 बनी तो हम क्या बताएंगे कि 100 नंबर पेपर में 100 मार्क का पेपर लगा होगा तो हमारे 76 नंबर आए होंगे, तो यहाँ 76 बी अपॉन बी का मतलब अगर बोतल पूरी 100 ml की है तो उसमें 76 ml कौन है, एथेनॉल घुला हुआ होगा, ये मतलब। लेकिन ये तो चलो तुमने मतलब निकालना तो सीख गया, 72 लिखा होता तो क्या मतलब आता, 100 ml में 72 ml घुला है, 10 ml लिखा होता तो क्या मतलब आता, 10 ml घुला हुआ है, मतलब तो तुम निकाल लोगे। लेकिन मैं यूं कह रहा हूँ तुम्हें बनाना है एक सैनिटाइजर, लिखो क्वेश्चन। अच्छा पहले सूत्र लिख लो कि कैसे निकालते हैं हम बी अपॉन बी, तो सूत्र हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर विलेय का आयतन लेना, विलेय का आयतन किस में लोगे, लेकिन ml में, और फिर पूरे विलियन का आयतन लेना, विलियन का आयतन लेना और गुणा कर देना किससे, 100 से, तो ऐसे निकलेगा बी अपॉन बी, ये सूत्र हो गए। अब तुम्हें एथेनॉल का सैनिटाइजर बनाना है, ठीक है, तो लिखिए लिख ले, एक मिनट क्वेश्चन लिखो भाई, 5 लीटर सैनिटाइजर तैयार, 5 लीटर सैनिटाइजर और ऐसे लिखो 25% बी अपॉन बी सैनिटाइजर तैयार करने के लिए
करने के लिए कितने एथिल अल्कोहल, कितना आयतन एथिल अल्कोहल आवश्यक होगा करो बस। अगर क्वेश्चन नहीं है अभी, क्वेश्चन ये क्या, ये तो डुप्लीकेट मात्रक है अभी, अब आएंगे अगले अच्छे मात्रक। लेकिन कौन सा पढ़ रहे हैं हम, कौन से नंबर का हो गया, चौथे नंबर का। चौथे नंबर का देखो पीपीएम सांद्रता, और ये बारहवीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पीपीएम सांद्रता जिसका फुल फॉर्म है क्या, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। अब देखो कि पहली बात तो ये है कि पूरी फॉर्म तुमने लिख ली, ये कब बताई जाती है, अपन जानते हैं कि अगर मैं मान लो अभी जैसे मैंने बोला झील में सोडियम कितना था, 25%, उत्तर कितना आया था 25 × 10⁻²⁻¹⁴, मतलब 0.0023, ये तो आया था प्रतिशत। तो इसका ये मतलब है कि बहुत बहुत, और मैथ क्या कहती है, दशमलव के दो अंक के बाद चीजें नगण्य होती है, और हम दो अंक के बाद मानेंगे तो नगण्य हो गया, मतलब उसमें सोडियम है ही नहीं, यही तो मतलब हुआ। तो जब किसी विलयन के अंदर विलेय बहुत बहुत कम हो तो उसे सौ में ना बताकर कितने में बताते हैं, मिलियन, मिलियन का मतलब 10 लाख में, 10 लाख में बताते। तो जो चीज 100 ग्राम में कम है वो 10 लाख में तो कुछ होगी ना, तो उसे क्या हम नगण्य कर सकते हैं। तो जब अपन जानते हैं कि जो चीज 100 में ही बहुत कम है तो फिर उसको प्रतिशत में बताना तो बेवकूफी है, तो फिर उसको कहाँ बताओ, 10 लाख में बताओ। तो आपसे पूछे कि विलयन की पीपीएम सांद्रता कब बताई जाती है, तो अत्यंत तनु विलयन में बताई जाती है जिसमें विलेय की मात्रा बहुत बहुत कम होती है। तो लिखो ये लाइन, अत्यंत तनु विलयन की सांद्रता को, अत्यंत तनु विलयन की सांद्रता को पीपीएम सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है, सांद्रता को पीपीएम सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि ऐसे विलयनों में विलेय बहुत कम होता है, ऐसे विलयन में विलेय बहुत कम होता है। तो भाई कम को हमको ज्यादा मात्रा में बताएंगे तो खुद को निकल के आएगा ही आएगा। चलिए बात, अब कैसे निकालते, जैसे अपन प्रतिशत का सूत्र क्या निकाले थे, प्रतिशत का सूत्र निकाले थे विलेय का भार इंटू कुल विलयन का भार इंटू 100, क्योंकि उसको किस में बताया जाता था, 100 में, लेकिन इसको किस में बताया जाता है, 10⁻⁶ में बताया जाता है ना, तो 10⁶ आ जाएगा। तो पीपीएम सांद्रता का सूत्र क्या हो गया, ये सूत्र लिख लो, पीपीएम सांद्रता बराबर
डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू 10 की घात 6, मतलब कैपिटल डब्लू यहाँ क्या है, कुल बिलियन का भार। अच्छा एक बात और जान लो, परिभाषा जैसे मैंने प्रतिशत की परिभाषा कैसे देते हो तुम, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या, तो यहाँ क्या बोलोगे, 10 लाख या 10 की घात 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या। परिभाषा लिख लो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, टीपीएम की परिभाषा पूछ लेते तुमको, और परिभाषा देखो यही अपने आप ले रही, पार्ट पर मिलियन यानी मिलियन व हिस्सा। अब जैसे प्रतिशत का परिभाषा क्या होती है, प्रतिशत, सत का प्रतिशत यानी 100 का 100 वे भाग का हिस्सा प्रतिशत होता है, प्रति और सत, सत यानी 100 और प्रति यानी 100 में, तो 100 में जो होता है वो प्रतिशत होता है, तो पर मिलियन यानी 10 लाख में जो होगा वो पीपीएम होगा। लिखो परिभाषा, विलियन के 10 लाख विलियन के 10 लाख, 10 लाख का मतलब 10 की घात 6 वे भाग में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या विलयन का भार प्रतिशत कहलाती है, विलयन का विलयन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अब सुन लो भाई, पीपीएम सांद्रता निकालने के लिए आपको मैं जैसे बोल के चलूंगा, ठीक है, तो बोल के एक सूचना मैं दूंगा कि एक विलयन मैंने ऐसे बनाया तो उसकी पीपीएम सांद्रता क्या होगी। जैसे आपको मैं बता दूं कि दिल्ली के, मैं एक समाचार पढ़ रहा है, आज के समाचार में आया है दिल्ली के पर्यावरण में 0.0008 प्रतिशत दिल्ली के पर्यावरण में 0.008% SO2 प्रदूषक, SO2 प्रदूषक है, तो SO2 की PPM सांद्रता बताइए। अब देखो समाचार में क्या लिखा आया है, 0.008 है, बहुत कम है ना प्रतिशत, क्योंकि हम 100 में बता रहे हैं तो बहुत कम दिख रही है हमको। अब पीपीएम में दिखाओगे तो कुछ तो दिखेगी, ज्यादा दिखेगी, तो अब पीपीएम सांद्रता, तो पहले तो इसका मतलब समझो, ये क्या है आपके SO2 की मात्रा कितनी है, 0.008 प्रतिशत है। इसका क्या मतलब है, प्रतिशत किस में आता है, 100 में आता है, तो हमको ये मतलब पता लग गया कि 100 ग्राम
सौ ग्राम वायु में क्या है 0.0008 ग्राम SO2 है, यानी वायु कितनी है 100, तो ये कैपिटल W हो गया बिलियन, और उसमें SO2 कितना है स्मॉल W, तो ये स्मॉल W हो गया। अब ppm सांद्रता बताने में दिक्कत आएगी क्या, बताओ तो देख पीछे आएगी लोग इसको, छोटा डब्लू तो कहाँ आएगा ऊपर, कितना लिखूं तो छोटा डब्लू 0.0008 और नीचे कितना बड़ा डब्लू विलियन कितना है 100 ग्राम इंटू 10 की घात 6, तो दो जीरो तो कट जाएगी, चार बचेगी, चार यहाँ गुणा होके क्या आएगा 8 ppm। अब देखो जब केजरीवाल बोला 0.008% है तो कोई रुका क्या, सब गाड़ी लेके निकल ली, अरे यार बहुत कम है अपन क्या मानेंगे इससे, और लेकिन जब केजरीवाल बोलेगा 8 ppm है तो लोग यार 8 हो गए के ये तो खूब हो गए, तो लोग घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे कि हम कहीं प्रदूषण की चपेट में नहीं आ जाए। लेकिन क्या मामला बदला, पहले जितना था वही है वो तो, लेकिन हमने सांद्रता की इकाई बदल दी, प्रतिशत से उसको किस में बताया ppm में बताया, इकाई बदल दी, समझ में आई बात। चलो अब आगे चलते हैं अपन। अच्छा वो जो तुम्हारा 1.17 क्वेश्चन चल 1.17 क्वेश्चन एनसीईआरटी का तुम्हें खुद को करना है, मैं केवल हिंट दे रहा हूं। उसमें यूं कह रहा है कि अगर पीने का जो पानी है ना, ये पानी इसको खूब गटगट पियो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर अगर क्लोरोफॉर्म होगा, क्लोरोफॉर्म होगा तो कैंसर पैदा हो सकता है। अब मान लो एक छात्र आ गया कि साहब हमारे कुएं के पानी में है क्लोरोफॉर्म, किसी कैंसर करवाना है तुम अभी उसने ये कह दिया, लेकिन क्या वो वहां, और यूं कह रहे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, क्लोरोफॉर्म पानी में होगा कैंसर हो जाता है, हमारे कुएं के पानी में क्लोरोफॉर्म है किसी के कैंसर नहीं हुआ, तो हर पानी के अंदर क्लोरोफॉर्म हो तो जरूरी नहीं कैंसर हो, लेकिन अगर वो कैंसर कब हो जाएगा, जब वो अपनी संदूषण की एक सीमा होती है उससे ज्यादा हो गया, तो अगर क्वेश्चन ने सूचना ये दी है कि पानी के अंदर क्लोरोफॉर्म कैंसरजन्य होता है, कैंसर पैदा करता है, जिसके संदूषण की सीमा कितनी बताइए 15 ppm, कितनी बताइए 15 ppm। अब 15 ppm खुद ने बता दी, अब तुम यूं कहोगे 15 ppm से अगर ज्यादा पानी में क्लोरोफॉर्म हो तो कैंसर हो जाएगा, 15 ppm से कम हो तो कैंसर नहीं होगा, तो लोगों को जब तुम ये बात समझाओगे क्या समझ में आ जाएगी क्या, क्योंकि हर आदमी क्या जानता है कि ppm क्या होता है, लेकिन हर आदमी किसको समझता है प्रतिशत को तो समझता है, ठीक है परसेंटेज तो सब समझता है ना, तो अगर किसी के अंदर 15 ppm पानी के अंदर 15 ppm कैंसर होता है तो उसे भार प्रतिशत में बदल के नहीं बता सकते। अभी तुमने क्या किया था, बिलियन का भार प्रतिशत था हमारे पास और तुमने उसको किस में बदल के बता दिया, अब मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, तुम मुझे क्या दोगे दे सकते हो, अरे वैसे आ गया देखो 8 था और 0.008 आ गया तो 15 हो गया, तो 0.0000, लेकिन तरीके से करके दिखाओगे ना, कैसे करोगे 10 लाख 15 ppm का अर्थ क्या होगा 10 लाख वे भाग में 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म में, तो छोटा डब्लू तो कितना हो जाएगा 15 और बड़ा डब्लू 10 लाख, और फिर प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र लगाओगे छोटा डब्लू बटा बड़ा डब्लू इंटू 100, तो आपने आप ये करके मुझे तरीके से दिखाओगे तुम, ठीक है ऐसे ही देखना। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, तुमने एक क्वेश्चन वहां बनता है अभी चला था थोड़े दिन पहले कि मैगी मत खाओ, मैगी क्यों नहीं खाए भाई,
मैगी क्यों नहीं खाएं? उसमें लेड आने लग गया था, जो मैगी कुरकुरे जो करकराहट होती है ना उनकी, जब खाते कुरकुर करता है, वो कुरकुर क्यों करता है, इसीलिए उसका नाम कुरकुरा, क्योंकि वो क्या करता है, अब वो कुरकुर किस वजह से करता है, लेड की। तुम सीसा वैसे खाओ देखो, तुम्हारे दिमाग वही कुरकुर आएगी कि नहीं आएगी, सीसा जो खाते हैं उनके कुरकुर आती है। अब क्या है कि और जिसमें कुरकुर ज्यादा आती है, अपन जानते कस्टमर उसी को ज्यादा खरीदता है ना, कि ये बहुत कड़कड़ाहट के साथ दांतों में जाते ही ज्यादा कुरकुर करता है, इसलिए अट्रैक्ट हो रहे थे। तो कंपनियां क्या कर रही थी कि यार ज्यादा सीसा मिलाओ, ज्यादा सीसा मिलाओ, ताकि बच्चे हमारे कुरकुरे को ज्यादा पसंद करें। और बच्चे किसको पसंद कर रहे थे? ठीक है, और कुरकुराहट किसके कारण आ रही थी? लेड के कारण। शोध किया, शोध से ये पता लगा कि जिसके कुरकुरे के अंदर 17 ppm से ज्यादा लेड है, तो वो कुरकुरा खराब है, शरीर के लिए विषाक्त। ठीक है, अब आने लग गया, पकड़ दकड़ चालू हो गई कि भाई कुरकुरे जब बनाने वाली कंपनियां पहले अपने कुरकुरे के अंदर लेड चेक कराएंगे, लेड की विषाक्तता पाई जाएगी, तो कुरकुरा बैन हो जाएगा, मैगी बैन हो जाएगी। तो सब ने अब ये ध्यान रखा कि हमको किससे ऊपर नहीं ले जाना है, लेड 17 ppm से ऊपर नहीं लेके जाना है, 17 से नीचे ही रखना है। तो अब ये सब आ गया, फिर अब रैपर जो आता है ना उसका कवर, उस पर भी लिखने लग गए कि 17 ppm से कम, 17 ppm से कम। अब बच्चे समझेंगे कि 17 ppm क्या है, नहीं समझेंगे ना, तो उसको तुम प्रतिशत में समझा दोगे, 17 ppm मतलब कितना? 0.0017 प्रतिशत। तो सांद्रता को एक रूप में दे तो दूसरे रूप में तुम चेंज कर लोगे आराम से, कोई डाउट? तो ये सवाल ppm पर बनते हैं, आपको ppm दे तो भार प्रतिशतता निकालना आना चाहिए, भार प्रतिशतता दे तो ppm निकालना, दो तरह से चलते हैं सवाल, कर लोगे आप? तो आज हमने एक मात्रक पूरा कर लिया है। ठीक है।